लुधियाना के डाबा रोड के पास तेज रफ्तार से छेरपुर चौक की तरफ आ रहा एक 20-25 टन बजनी ट्राला थ्री व्हीलर और एक और गाड़ी से टकराकर पलटी खा गया, जिस कारण सड़क पर जा रहे 6-7 राहगीर चपेट में आ गए, जिनको नजदीक के SPS अस्पताल में पहुंचाया गया है। पुलिस के मुताबिक जख्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार ट्राला सुबह करीब 8:30 बजे पहले थ्री व्हीलर और फिर एक और गाड़ी से टकराकर सड़क पर से जाते राहगीरों पर पलट गया, जिससे एक दो की तो मौके पर मौत हो गई, बाकी के 6-7 जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया है। जैसे ये भयानक हादसा हुआ उससे तो जख्मी और मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। डाबा रोड से अच्छे सुबह 8 बजे तो 8:15 बजे जो कंटेनर से ओवर स्पीड आ रहा है, उन्हें एक आटो में पहले साइड मारी है, तो आटो के मारने एक बलैरो पिक्का से वज गया, वो पलट गया है, तो एक साइकिल सवार जरा वो थले आ गया, वो मौके डेथ हो गई थी, तो 3-4 कैजुअलिटी हो गई। टोटल 6 बंदे जख्मी है, जिन्हें चो 2 गंभीर जख्मी है, 3-4 बड़े जख्मी। कार्रवाई कर रहे, पहले ट्रैफिक की प्रॉब्लम है जी, ट्रैफिक जी सॉल्व करके 4-5 करेना अभी मौके से मंगाइया है, उसके नाल कंटेनर काफ़ी 20-25 टन भारा से जरा उन्होंने रिमूव करा रहे हैं, उसके बाद जी कार्रवाई कराएंगे। जख्मियों को पोलो हस्पताल में ठाकुर सिंह जी ट्राला तेज थी, ज्यादा तेज करके वो पलटी खा गया, जो मुड़े ना उन्हें पलटी खा गया। बंदे 5-6 बंदे आए, मतलब कोई ज्यादा भी हो शायद, हाँ मेरे लगे गोडे पट्टी कराया बस। कैमरामैन कमलजीत गर्चा के साथ गुरमीत निझर की रिपोर्ट, Fox.Punjabi, योर सिटी योर न्यूज।